गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने 1.3 के दो क्वेश्चनों की बात कर ली। आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आज हम ये 1.3 फिनिश ही करें। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए कि ए इक्वल दिया है हमें 1, 2, 3, 4, फिर दिया है यहां पर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है और वो क्यों नहीं है सत्य। फर्स्ट पूछ रहा है हमारे से 3, 4 उपसमुच्चय है ए का। 3, 4 उपसमुच्चय है क्या यहां पर ए का? 3, 4 उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन 3, 4 ये डबल ब्रैकेट आएगा तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा ए को। 3, 4 बिलोंग जरूर कर रहा है ए में। 3, 4 क्या है? अवयव जरूर है ए का, बिलोंग जरूर कर रहा है, लेकिन ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। जब डबल हमारे पास ये ब्रैकेट आएगा, एक तो ये हो गया, एक ये ऊपर पूरे पर डबल ब्रैकेट हो गया तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा ए का। लिख दोगे 3, 4 जो है बिलोंग करता है ए में, लेकिन ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया? सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? कारण मैंने आपको ये बता दिया। सेकंड, 3, 4 बिलोंग्स करता है ए, ये सत्य है क्योंकि ये अभी बताया कि 3, 4 ए का अवयव है, तो ये क्या है? सत्य है क्योंकि 3 और 4 दोनों क्या है? ए के एलिमेंट्स है, अवयव है। नेक्स्ट, 3, 4 के ऊपर ये डबल ब्रैकेट लगा दिया थर्ड में, तो ये उपसमुच्चय है ए का, ठीक है अभी बताइए। फिर 1 बिलोंग्स करता है ए में, 1 देखो ये ए का अवयव है, तो ये 1 क्या बिलोंग्स करता है ए में, ये क्या हो गया हमारा? सत्य हो गया। नेक्स्ट, 1 उपसमुच्चय है ए का, ये बताओ 1 उपसमुच्चय है क्या ए का? 1 ए का उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन 1 के ऊपर जब ये ब्रैकेट आ जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ये कथन हमारा बिना ब्रैकेट के ये क्या है? सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं। नेक्स्ट, 1, 2, 5 उपसमुच्चय है ए का। 1, 2, 5 उपसमुच्चय है ए का। 1, 2, 5 एक ही ब्रैकेट में, ये तो ये उपसमुच्चय है ए का, ये क्या हो गया हमारा? सत्य। नेक्स्ट, 1, 2, 5 बिलोंग्स करता है ए में। 1, 2, 5 इस प्रकार से दिए भी, 1, 2, 5 बिलोंग्स नहीं करता ए में, 1, 2, 5 ये बिलोंग्स करेंगे ए में, ये ब्रैकेट में आ गए तो ये इसका क्या है? उपसमुच्चय है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है, ठीक है बिलोंग्स का बोल दिया। नेक्स्ट, 1, 2, 3 उपसमुच्चय है ए का, ये उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि 3 क्या है? डबल ब्रैकेट में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट, 5 बिलोंग्स करता है ए में, 5 बिलोंग्स करता है ए में, ये सत्य नहीं है। 5 बिलोंग्स नहीं करेगा ए में क्योंकि 5 जो है ए का अवयव नहीं है, 5 जो है किसका अवयव नहीं है। फिर आगे बोल रहा है 5 उपसमुच्चय है ए का, 5 उपसमुच्चय है ए का, ये क्या है? सत्य है क्योंकि रिकत समुच्चय जो है सभी का ही उपसमुच्चय होता है। रिकत समुच्चय क्या है? सभी का ही उपसमुच्चय होता है, तो 5 क्या है? उपसमुच्चय है ए का, लेकिन 5 बिलोंग्स नहीं करता ए में क्योंकि 5 जो है ए का अवयव नहीं। नेक्स्ट, फिर दिया है 5 उपसमुच्चय है ए का, 5 उपसमुच्चय है ए का, ये देखो यहां पर आ गया इसमें ब्रैकेट, ठीक है तो यहां पर देखो ये इसमें दिया है इस ब्रैकेट में, तो ये नहीं है, ये इस समुच्चय का अवयव नहीं है, तो ये 5 जो है उपसमुच्चय नहीं है ए का। अगर ये ब्रैकेट हटा दें तो ये बन गया रिकत समुच्चय, तो रिकत समुच्चय इसका क्या है? उपसमुच्चय, लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट आने पर ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा क्योंकि ये क्या बन गया? फिर ए का एक अवयव बन गया, एलिमेंट बन गया।
ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या मैंने बताया किस प्रकार से ज्ञात करनी है, फॉर्मूला बताया था इसके लिए। उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2n, n होती है अवयवों की संख्या जितने दिए। फर्स्ट दिया है इसमें स्मॉल a, इसके उपसमुच्चय लिखे तो 2n, यानी कितने होंगे, दो ही होंगे, तो इसके उपसमुच्चय क्या आ जाएंगे, 5 और a। ये इसके क्या हो गए, उपसमुच्चय 5 और a, 5 के ऊपर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ठीक है, 5 और a। सेकंड a और b है, थर्ड देखते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये लिया है हम 2n, n कितने हैं, 3 है, यानी 8। इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 8, कौन से, 5 1 2 3, ये यहां कोमा नहीं है, फिर 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए ये 8 उपसमुच्चय। इस प्रकार से आपने उपसमुच्चय बताने हैं। 5 का तो क्या होगा, 5 समुच्चय, 5 का उपसमुच्चय क्या होता है, 5 होता है समुच्चय, 5 है। नेक्स्ट फोर्थ में 5 का उपसमुच्चय कौन होता है, 5 होता है। फिर नेक्स्ट PA के कितने अवयव हैं, यदि A इक्वल है 5। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन ने दिया है A इक्वल 5 है तो इसमें अवयव कितने हैं, तो इसमें अवयव भी कितने होंगे, एक ही होगा। कितने अवयव होंगे, एक ही होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, रिकत समुच्चय, 5 आ गया, तो ये क्या हो गया, रिकत समुच्चय। तो रिकत समुच्चय में इसमें कितने अवयव होंगे, एक ही अवयव होगा। समुच्चय का एक ही उपसमुच्चय होता है रिकत समुच्चय। फिर नेक्स्ट अंतराल रूप में लिखना है इनको, अंतराल रूप में बताया था, अंतराल रूप में लिखना हो तो ओपन इंटरवेल, क्लोज इंटरवेल और सेमी क्लोज इंटरवेल, 3 इंटरवेल बताए। देखो सबसे पहले दिया है इसमें, फर्स्ट में एक्स, एक्स बिलोंग्स करता है आर में, -4 से बड़ा है एक्स और छोटा यहां इक्वल है 6 से। देखो यहां पर एक तो इसमें सिर्फ ये लेस देन आ गया, एक में लेस देन इक्वल आ गया, तो ये कौन सा इंटरवल हो गया हमारा, सेमी क्लोज्ड, अर्ध समाप्त, सेमी क्लोज्ड इंटरवल हो गया, सेमी क्लोज्ड। यानी एक तरफ तो क्या हो गया इसमें, ओपन इंटरवल होगा और एक तरफ क्या होगा इसमें, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल कौन से होगा, जहां लेस देन इक्वल है, इसमें सिर्फ लेस देन, यानी ओपन इंटरवल में आएगा -4 फिर कोमा 6, ये क्लोज्ड इंटरवल। इस प्रकार से करना। और देखते हैं इसका थर्ड, देखते हैं जैसे थर्ड तो इसी का ही है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में दिया है एक्स, एक्स बिलोंग्स करता है आर में, 3 से बड़ा है इक्वल एक्स, छोटा है इक्वल है 4, तो ये कौन से इंटरवल में होगा, यहां पर लेस देन इक्वल, यहां भी लेस देन इक्वल, ठीक है, तो ये कौन से इंटरवल में होगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये कौन से इंटरवल में होगा, क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज्ड इंटरवल में होगा। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, क्लोज्ड यानी बंद अंतराल, ओपन यानी खुला अंतराल, और सेमी क्लोज्ड हमारा होता है अर्ध समाप्त अंतराल। तो क्लोज्ड इंटरवल में होगा तो 3 और 4। और इस प्रकार से अगर यहां पर न होते इसी क्वेश्चन में बताया था, ये होता सिर्फ, तो ये कौन से में होता, ओपन इंटरवल में, तो कौन से में कैसे लिखते, 3 और 4, ये छोटा वैल्यू। ये क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है हमारा, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये तो समुच्चय निर्माण रूप हमें दे रखा था,
अब जो क्वेश्चन दिए उनका समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। तो देखो यहां पर फर्स्ट दिया है इसमें -3 और 0, -3 0, दोनों में कौन सा इंटरवल लगा हुआ है? ओपन इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। तो x बिलोंग्स करता है r में, -3 से बड़ा है x, छोटा है किससे? 0 से। ये इसका क्या हो गया? ओपन इंटरवल, समुच्चय निर्माण। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, जैसे थर्ड देख लेते हैं इसका, क्या दिया है इसमें? 6 और 12। इस प्रकार से दिया है, यहां तो दिया है हमें ओपन इंटरवल, यहां दिया है क्लोज्ड इंटरवल। ये वैसे है कौन सा? सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड अर्धसमाप्त का ये, ठीक है। एक तरफ ये ब्रैकेट छोटा है, एक तरफ बड़ा है, क्लोज्ड इंटरवल। क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स करता है r में, 6 से बड़ा है x, छोटा या इक्वल। यहां पर क्या आ गया? क्लोज्ड इंटरवल, तो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, इक्वल 12। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करो। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, दो इसमें दिए एलिमेंट हमें, आप इसके लिए सात्विक समुच्चय कौन सा लेंगे? सात्विक समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जिसमें वो सारे के सारे ही, जिससे रिलेटेड बात हो रही है, वो सारे के सारे अवयव ही उसमें हमारे आ जाएं, तो वो ही हमारा क्या होता है? सात्विक समुच्चय होता है। जैसे इसमें दिया है फर्स्ट समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, सात्विक समुच्चय बताना है इसके लिए। सेकंड ये समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो देखो इसका सात्विक समुच्चय लेना है, दोनों ये समकोण त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या लेंगे? त्रिभुजों का समुच्चय लेंगे, सात्विक समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। इसमें क्या लिया जा सकता है? सात्विक लिया जा सकता है, क्योंकि त्रिभुजों के समुच्चय में ये समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे, समद्विबाहु भी आ जाएंगे, समबाहु भी आ जाएंगे, सारे के सारे त्रिभुज इसी में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सात्विक समुच्चय क्या लिया जा सकता है? त्रिभुजों का समुच्चय। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन, समुच्चय a इक्वल दिया है, समुच्चय a इक्वल 135, b इक्वल हमें दिया है b = 246 और c = 02468। ये दिया यहां पर, क्या बोला है इसमें? इनके लिए निम्नलिखित में से कौन से सात्विक समुच्चय लिए जा सकते हैं, ये बताना है। फर्स्ट तो इसमें बोल रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकंड दिया है इसमें 5। थर्ड दिया है इसमें 0 से 10 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फोर्थ दिया है हमें इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये बताना है इनके लिए सात्विक समुच्चय कौन सा लिया जाता है। सात्विक समुच्चय का अर्थ है कि सारे के सारे इनके एलिमेंट उसमें आ जाने चाहिए। देखो अगर इस फर्स्ट की बात करें तो 0 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक तो आ रहे हैं, 1, 3, 5, 2, 4, 6, यानी इसके एलिमेंट भी आ गए, इसके यहां तक 2, 4, 6, लेकिन ये 8 नहीं आया, तो ये इसका सात्विक समुच्चय नहीं लिया जाता। 5 ये तो रिकर्स समुच्चय है, रिकर्स समुच्चय इसका सात्विक समुच्चय नहीं लिया जाता। इसमें बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो एक्स्ट्रा ही है, लेकिन इसके एलिमेंट तो इन तीनों के आए हैं, तो एक तो ये लिया जा सकता है सात्विक समुच्चय। इसकी बात करें तो इसके पास 0 नहीं है, तो ये भी इसका सात्विक समुच्चय नहीं लिया जा सकता। अगर इसके पास 0 होती तो इन सभी के एलिमेंट तो इसके पास थे, तो ये भी लिया जा सकता, लेकिन इसके पास 0
नहीं है, तो ये इनका सार्थक समुच्चय नहीं लिया जाता। सार्थक समुच्चय कौन सा लिया जाता है, जिसमें जो भी हमें दिए हैं यहाँ पर उनके सारे के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, तभी सार्थक समुच्चय लिया जा सकता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन इतने ही थे 1.3 के। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट मैसेज करके क्लियर कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।